तो फॉर्म वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको, कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है कि एग्ज़ाम क्या कितना क्या क्वेश्चंस रहता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोई नहीं देगा, वो होता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, और दूसरी जो होती है कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करें ये तो जो है कि बता चुके हैं, अब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है वो जो है हमें कविता बताएगी। तो कविता बताइए कि एग्ज़ाम जो है कि हम कैसे अटेम्प्ट। 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, बिल्कुल। उसमें से पीसी भी होता है और जीके होता है, क्या नीट के अंदर जीके नहीं होता, उसमें एडिशनल जीके भी आ जाता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और जीके या रीजनिंग भी कुछ भी बोल लो उनको, मतलब सेम ही होता है। हाँ, दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं, वो डिपेंड नहीं करता जीके कितने आते हैं, रीजनिंग कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे 30-30 क्वेश्चन होते हैं, इनका पैटर्न सेम होता है, 30-30 आते हैं पीसीबी के और जीके। ख्याल से तो पहले बायो करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर टाइम भी कम लगता है और जल्दी से हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं होती ना इसके अंदर। और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट में की प्रिपरेशन क्या होता है, बायो बायो फेवरेट होता है। अगर मान लो किसी का केमिस्ट्री फेवरेट है तो आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल से उनको बायो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती और जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो एक ये है आपको साइकोलॉजिकल भी रहेगा कि आप बायो अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका ऐसा रहता है कि मेरे इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, तो अब एक मन में वो रहता है कि लोड जो है कि कम लगेगा, और बायो जल्दी हो जाता है तो कम टाइम में बायो जो हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो आप बायो पहले अटेम्प्ट कीजिए। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपके बचते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में कई 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें आ ही नहीं रहा तो उनको साइड में कर ही देते हैं। हाँ, कि मतलब इनको करना ही नहीं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ इनमें थोड़ा कंफ्यूज है तो उनको आप मार्क कर दिए। ऑनलाइन एग्जाम में मार्क करने का भी ऑप्शन होता है। ओके, मार्क फॉर रिव्यू आप उनको कर सकते हैं, और बाद में जो है कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो होंगे आंसर जो होंगे एक्सेप्टेड नहीं होंगे। आप मार्क फॉर रिव्यू करके रखिए, अगर आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए लास्ट में तो वो अनअटेम्प्टेड माने जाएंगे। हाँ। उनकी कोई नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। उनमें से आप मार्क कर दो या 2-3 क्वेश्चन, उसको सेकंड राउंड में जैसे टाइम मिलता है आप उनको एक बार देख लो, होते हैं तो ठीक है वरना छोड़ दो। हाँ, तो 25 क्वेश्चन काफी होते हैं। अब होते हैं अपने पास केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आते हैं तो उनके अंदर भी कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। हाँ, और इजी वैसे हो जाते हैं। जैसे आपने इसके अंदर भी 24 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिए हैं। हाँ, और भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ऐसा होता है केमिस्ट्री के अंदर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आ रहे तो उनको भी फिर से मार्क कर लो, उनको भी सेकंड राउंड में देख ले। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कैलकुलेशन ज्यादा होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इनको कम करना चाहिए थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर क्यों, मतलब नीट की प्रिपरेशन करें तो उसमें फिजिक्स थोड़ी स्लो भी होती है। मतलब फिजिक्स ऐसे स्लो होती है, जो बच्चे फिजिक्स जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है वो तो मतलब जैसे होता है कि आपका जैसे फिजिक्स जो रहेगा, मैं आपको बताऊंगा जैसे बताता भी हूँ नीट की प्रिपरेशन, कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपकी रैंक जो है अच्छी खासी बूस्ट हो सकती है। क्योंकि सही बताया है कविता ने कि जैसे कि कविता ने सही बताया कि जैसे अगर मेडिकल किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों का फिजिक्स जो होता है वीक होता है, और अधिकतर बच्चों को उसी में जो है कि दिक्कत आती है। जैसे आपने इसके अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपके अगर आते हैं 2-3 क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर भी मार्क कर सकते हैं, और जो नहीं आते उनको छोड़ दीजिए। तो इतने में अगर आपने सही कर ही लिए हैं तो हो जाएगा इनके अंदर, तो अच्छे खासे परसेंटेज बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हर सही क्वेश्चन के होते हैं प्लस 1 मार्क्स, और अगर इनमें कोई गलत हो जाता है तो -1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो आप जैसे कि ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपने बताया है, इसमें जो है कि 25 क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ आपके केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन है और फिजिक्स में आपके 20 क्वेश्चन है। इसके मतलब ये क्या आपका जो बताया ये क्वेश्चन किससे बताया कि आपने सेफ स्कोर इतने करने चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि कितने क्या क्वेश्चन करने चाहिए, और जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये जरा सा बता दीजिए आप। मेरे ख्याल से सभी में 20-20 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि इतनी मार्किंग तो अच्छी रैंक लेनी है आपको तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी होती है। यानी कि आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन जो है कि अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, आपको अगर एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर जैसे आपको रेपूटेड एम्स अगर चाहिए, तो आपको मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको टोटल 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप वो डिसाइड कर लीजिए कि आप वो 60 क्वेश्चन कहाँ करेंगे, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है उनका सबके सेम वेटेज है। जीके के बारे में कितने क्या क्वेश्चन है? जीके के अंदर हो आपको हो रहा है तो आप 5 या 6 क्वेश्चन कर लीजिए। मेरे को नहीं लगता 10 क्वेश्चन से आप जो हम जीके पढ़ते तो है नहीं। हाँ, तो 10 में 10 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अपने। अच्छा, हाँ, तो 5 या 6 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। जितना वेटेज आप इसको दे रहे हो जीके को, उतना आप बायो को दो, क्योंकि अब अगर बायो में 5 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आपके बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में आ सकते हो आप। ओके, एनी एक्स्ट्रा टिप्स जो कि ऐसा होता है कि जैसे ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी रफ वर्क के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टिप जो कि बच्चों को या फिर आपने यूज की और बच्चों के प्रिपरेशन क्या होता है? उसके अंदर एक पेज तो हमें अलग से देंगे, और एक जो अपना होता है ना एडमिट कार्ड उसके पीछे करवा लेते हैं। एडमिट कार्ड के पीछे एक ये हम कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि वो रफ पेज, तो वो और मांग सकते हैं शायद, नहीं मांग सकते हैं। नहीं, वो एक पेज ही देते हैं, और उसमें कैलकुलेशन के लिए वो होता है कि कैलकुलेटर दिया होता है साइड के अंदर, तो कैलकुलेटर निकाल के हम कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग बात हो गई और बहुत अच्छी बात हो गई आप लोगों के लिए कि इसमें आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री सोल्व करना है तो आप कैलकुलेशन जैसे रहता है कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगा कि आप जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के जस्ट कैलकुलेटर से जल्दी
जाती है। तो आपको हम किसी दिन वो पोर्टल दिखा देंगे एग्जाम वाला, और उसमें हम आपको वो भी दिखाने का ट्राई करेंगे कि आप उसे कहाँ से कैसे क्या जल्दी जल्दी उसमें आपको अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ में अभी अर्शिया है, और अर्शिया से हम कुछ सवाल पूछते हैं जो आप लोग हम जो है कि आप लोगों को डाउट रहता है और आप लोग पूछते रहते हैं, वो सवाल हम अभी इनसे पूछते हैं। तो ये अपने खुद ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देंगे यानी जो भी कुछ है, तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अर्शिया आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ये जो है कि दिल्ली से है, मैं इसीलिए स्पेशली इनसे सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। और आप दिल्ली से, तो आपने एम्स दिल्ली जो है कि मिल रहा था आपको एम्स दिल्ली? नहीं, मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा था, एम्स दिल्ली अंडर 100 रैंक के अंदर ही मिलता है। तो अगर आपको अंडर 100 रैंक होती है, ये अंडर 100 रैंक जो होती है ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक। आपकी रैंक क्या थी? 113 जो इनकी थी रैंक थी, तो 113 113 ना, 113 तो 113 रैंक जो थी ऑल इंडिया रैंक 113 थी। हाँ जी, ऑल इंडिया। तो ये तो मतलब बहुत बढ़िया रैंक थी, तो 10-12 रैंक अगर और ऐसा ऊपर नीचे रहता तो आपको दिल्ली मिल जाता। ओके, तो ये इनकी रैंक भी बहुत बढ़िया है, तो इनसे प्रिपरेशन टिप्स का भी थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं। फिर पहले प्रिपरेशन टिप्स का पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपको प्रिपरेशन टिप्स हम बता चुके हैं और आगे बताएंगे, लेकिन 113 वाला अगर आपको प्रिपरेशन टिप्स बता रहा है तो कुछ इस तरह से टिप्स हो सकती है, बताइए फिर टिप्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़नी होती हैं। हाँ। और जीके के लिए एडिशनल एमटीजी की एक बुक आती है जिसमें जीके और लॉजिकल एनालिसिस दोनों होते हैं। और बाकी बायो के लिए एमटीजी की बुक बेस्ट रहती है। बाकी एम्स, एम्स के कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो रेफर करते हैं, मैंने वो बुक्स देखी हैं, बट एमटीजी नहीं। आपने क्या पढ़ा था? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कि तुम्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि 113 रैंक लाना, ऑल इंडिया रैंक 113 जो है बहुत बढ़िया रैंक हो जाती है। तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, सर वही बताइए। मैंने एमटीजी की पढ़ी थी, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एनालिसिस के लिए। और बायोलॉजी के लिए भी एमटीजी की ही बुक पढ़ी थी मैंने, और सेम फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एमटीजी की। एमटीजी की जो है कि अपने बुक। अपने साथ में नीट की तैयारी भी की थी? हाँ जी। नीट, आपका नीट में क्या स्कोर रहा था? 537 जो है कि 537 का नीट। तो आपका ये सेकेंड थर्ड ड्रॉप था या फर्स्ट? फर्स्ट। तो मतलब जैसे कि फर्स्ट ड्रॉप है ये, तो मतलब इन क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाने वाली चीज़ें हो जाती है कि मतलब अधिकतर यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो या तो ऐसे आते हैं कि सेकंड या थर्ड ड्रॉप के बाद आते हैं, लेकिन अर्शिया जो है कि फर्स्ट ड्रॉप देने के बाद में यहाँ पे आई है। तो ऐसा होता है ना कि दो एक चीज़ें हो जाती है कि आप फर्स्ट ड्रॉप देने के बाद में जब आपका रिजल्ट आए पे आया, आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपके पास दो चीज़ें थी कि आपको इधर एक फील्ड नर्सिंग चली गई और एक आपका एक कि मैं अगला ड्रॉप जो सेकेंड ड्रॉप ले। तो आपने सेकेंड ड्रॉप ना चुन के एक बीएससी नर्सिंग जो है चुना, इसके पीछे कोई वजह थी? देखो मतलब जो नर्सिंग है उसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स और स्कोप्स हैं आगे जाके फ्यूचर में, इंडिया में भी और फॉरेन में, तो सबको ही पता है कितने स्कोप हैं। तो एक बार आप इन लोगों को बताइए, क्योंकि नर्सिंग अभी क्या है कि मुझे जहाँ तक लगता है, अधिकतर मैं लोगों से बात करता हूँ तो हर लोग या तो नीट होना चाहिए, नीट होना चाहिए, नहीं होगा तो हम मेडिकल फील्ड छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल फील्ड में जो भी इंटरेस्टेड है, ऐसी तो बात उनको होनी ही नहीं चाहिए कि मेडिकल फील्ड छोड़ देंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगर गर्ल्स हैं तो उनको नर्सिंग में आना ही चाहिए, नोबल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, सब मिल जाता है इसमें, और हाफ डॉक्टर ही होते हैं। तो आगे जाकर इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, तो मेडिकल फील्ड छोड़ने का मतलब कभी इस दिमाग में आना नहीं चाहिए। तो आप क्या क्या स्कोप होते हैं वो पहले स्कोप बता दीजिए। स्कोप्स इसमें बहुत सारे होते हैं, पहले तो हम बाहर जा सकते हैं और एज अ नर्स प्रैक्टिशनर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं बाहर लाके लोगों को, और एनेस्थीजिया होता है, सीआरएनए होते हैं, और नर्स प्रैक्टिशनर का जैसे मैंने बताया, टीचिंग लाइन में इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, पीएचडी करके डॉक्टर भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो ऑप्शन है, बाकी अभी आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रहेगा। और ये भी है कि अभी आगे जो है कि अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे आपने अगर ये देखा है कि जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें कितनी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस और कितनी ज़्यादा नीड है, यू नॉट इवन इन इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा नीड है और इंडिया से जा रहे हैं। तो ऐसा भी है कि मतलब अभी आप अगर मेडिकल फील्ड में अगर आपको जैसे एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने बताया कि फैसिलिटीज़ वगैरह सेम आपको मिलती है और ये सब मिलती है, लेकिन एक इसका बस एक डीमेरिट अगर मैं बोलूँ तो एक रहेगा कि एम्स में लड़कों के लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी। लाइक अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिलता तो मैं तो एम्स में आकर बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता था, तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव जो है कि ढूंढेंगे, अभी लगा हुआ हूँ मैं, कहीं मिल जाएगा तो बताएंगे। क्योंकि एम्स से बीएससी नर्सिंग, ऐसा अगर तुम्हें कहीं पता हो तो बता सकते हो कि एम्स से बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट लड़कों के लिए पैरामेडिक्स?
पैरामेडिकल, अगर मेडिकल फील्ड में तो मुझे अभी तक तो नहीं मिला, अगर ऐसे तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बताना, मैं बाकी लोगों को बता पाऊँगा। चलो ठीक, तो ये जो है कि एक रैंक भी अच्छी थी और इनने बताया कि स्कोप वगैरह इनको अच्छा दिखा। तो ये दूसरी चीज़ हम इनसे ये पूछते हैं कि एम्स दिल्ली तो ठीक है आपको अंडर 100 वालों को मिलता है, ठीक है, अभी 113 जो रैंक थी इसमें एम्स दिल्ली को छोड़ के इनको सारे एम्स मिल सकते थे बिल्कुल, तो आपने एम्स जोधपुर चुना क्यों, इसके पीछे कोई खास वजह? फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से नियरेस्ट यही है जोधपुर है, ओके। उसके बाद जोधपुर का कैंपस और आउट ऑफ कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, ओके। इन कैंपस यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज हैं, जिम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी आ नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे भी सुन के अच्छा लगा जोधपुर का तारीफ। तो इसके अलावा कोई आपको यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे रहते अभी कितना, एक डेढ़ महीना हो गया ना, एक डेढ़ महीना इनको हो गया, तो ऐसा कुछ कि ऐसे लगा हो कि नहीं यार कहाँ ले लिया है जोधपुर, ऐसा कभी कुछ लगा हो ऐसा कुछ? नहीं, कैंपस बहुत अच्छा है, सीनियर्स भी बहुत अच्छे। नहीं अभी क्या ना कि ये लोग जैसे आए हैं, तो अभी कब आए हो? 2nd दिसंबर, ये लोग दिसंबर में आए हैं, वो दिसंबर जनवरी ठंड का महीना, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, नहीं तो ये लोग जरूर बोलते कि यहाँ का डीमेरिट है कि कहाँ ले लिए जोधपुर, इससे अच्छा कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो एक ये है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो तो आप बता सकते हैं? नहीं, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमने जो है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर एग्ज़ाम के बारे में पढ़ लिया है, अब इसका क्या होता है कि रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद में इसका क्या प्रोसीजर रहता है वो हम चित्रा से पूछते हैं। तो चित्रा, इसका रिजल्ट आने के बाद में कितने दिनों के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है? 2 वीक के बाद में, 2 वीक के बाद, 10-15 दिनों के बाद, 10-15 दिन के बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो काउंसलिंग का क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्या होता है? पहले होता है फर्स्ट राउंड होता है, और उसके बाद में सेकंड राउंड, और सबसे लास्ट जो होता है वो ओपन राउंड होता है, जो दिल्ली में जाके करवाना पड़ता है। मतलब वो ऑफलाइन होता है और कहीं किसी भी एम्स में, लाइक मुझे एम्स जोधपुर जाना है तो भी मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा? हाँ जी, वो ओपन राउंड के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है। मान लेते हैं किसी का फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज जो है कि अलॉट हो गया है, तो फिर क्या प्रोसीजर रहता है? तो किसी भी एम्स में जाके पहले रिपोर्टिंग कर लो, अगर एम्स जोधपुर अलॉट हुआ तो मैं ऋषिकेश जाके जी, जो आपके घर के पास नियर बाय है, हाँ। तो उधर जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लो, तो उधर जाके जमा करवा देने होते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप 1 लाख की डीडी होती है, तो वो डीडी जमा करवानी है। जैसे अभी डॉक्यूमेंट अभी नहीं दे पाए, अभी मैंने 1 लाख का डीडी दे दिया, हाँ जी, मैं डॉक्यूमेंट बाद में दूंगा, हाँ जी, तो अगर डॉक्यूमेंट बाद में देंगे तो आपको वो डीडी वापस रिफंड हो जाएगी। ओके, ये सही है थोड़ा सा। नहीं ये तो जैसे आपका फर्स्ट राउंड का था कि फर्स्ट राउंड में मिल गया, बट व्हाट अबाउट अगर किसी को सेकंड फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ और सेकंड राउंड में मिला है उसको, तो वहाँ पे वो एडमिशन ले लिया, अब उसे चेंज करना है, तो क्या वो थर्ड राउंड में चेंज जी वो करवा सकता है? ओपन राउंड में जाके वो चेंज करवा, तो अभी मतलब जैसे अपना जितने दिन ओपन राउंड नहीं होगा उतने दिन कंटिन्यू करेगा, फिर थर्ड राउंड में जल्दी जाके उसका चेंज हो जाएगा जी। तो यहाँ पे जो है कि तुम लोगों को लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, ठीक है, तो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है कि यहाँ पे कैसा है वो बाकी लोगों को बताओ, ताकि अगले जो आने वाले बच्चे हैं वो एटलीस्ट ये डिसाइड कर पाए कि हमें जो है कि एम्स जोधपुर मिले तो जाना है या नहीं जाना है, या ऑप्शन में डालना है या नहीं डालना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ईशा बताओ, यहाँ पे जैसे कि सीनियर का जो अगर देखे, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप के बारे में देखे, तो रैगिंग का कैसे क्या है यहाँ पे? बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती, बिल्कुल भी, मतलब सीनियर से मिले हो या फिर सीनियर से बिना मिले बोल रहे हो कि रैगिंग नहीं? सीनियर से मिल चुके हैं, सीनियर से मिल चुके हैं आप? नहीं, सीनियर्स और जूनियर्स का बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, अच्छे से बिहेव करते हैं सीनियर्स। हाँ, यहाँ सब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे से, मतलब किसी को भी अगर ऐसा लगा हो कि अगर रैगिंग हुई हो, तो हम नहीं पूछ रहे कि क्या किसने क्या रैगिंग कर, यहाँ का आपको इन्वायरमेंट हॉस्टल का, कॉलेज में कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे रैगिंग होती हो, तो आप वो बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई रैगिंग नहीं, कोई रैगिंग नहीं है। उसके बाद में जैसे आप सीनियर जो बात करते हैं, तो कुछ क्या बोल के बात करते हैं आप सीनियर को, क्या बोलते हैं? बॉस बोल, विश करके, बॉस बोल, विश करना, विश करना होता है, विश करना तो एक होता है कि वॉलंटियर में विश करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सीनियर, ये तो एक है ना कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ये हो गया। तो नहीं, इसके अलावा कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करता हो कि नहीं आपको ऐसे करना ही है, ऐसा कोई? आपको जैसे अपने जो फर्स्ट जो सीनियर से इंटरेक्शन हुआ था, वो आपको कैसा क्या लगा था, एकदम अच्छा था, या फिर फर्स्ट सीनियर जो मिला ऐसे डरा के कि किधर क्या कर रहा है, कर रही है ऐसे कुछ? बिल्कुल फ्रेंडली, जो ऐसे रैंडमली पूछ लेते हैं, चलो ऐसे मोना से पूछ लेते हैं, सबसे पहला सीनियर जो तुम्हें मिला था कौन मिला था? मुझे भूपति चौधरी बॉस मिले थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और मुझे हर चीज में हेल्प करते हैं वो मेरी। अच्छा, अभी तक हेल्प कर रहे हैं, जो फर्स्ट बार में जो आपको सीनियर मिला था, हाँ। उससे अभी जैसे आप, जैसे आपको तो पता नहीं होगा कि स्टार्टिंग में बॉस बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता था कि स्टार्टिंग में, तो जब आपने ये उनको नाम से बोला होगा, दीदी बोला होगा या मैडम बोला होगा, तो उन्होंने क्या मतलब डराया आपको कि नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा उन्होंने ऐसा बोला कि आप
एम्स में हो तो थोड़ी रिस्पेक्ट दो सीनियर्स को। ओके, आप बताओ अर्चा। कुछ नहीं, मैंने भी पहले से मैंने उनको दीदी बोल के बोला था, और उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे अब एम्स में हो क्योंकि एम्स एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, थोड़ा सा उसका ऑरा मेंटेन कर। ओके, मतलब आपको अच्छी तरीके से समझा रही है, ऐसा तो कुछ ऐसा वो नहीं है ना कि मतलब ऐसे डांट दिया वगैरह हो कि बाद में ऐसा बोला हो कि ऐसा क्यों बोला है। नहीं, ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अभी तो जैसे आप बीएससी नर्सिंग आप जैसे ज्वाइन कर लिए हैं, अब इसमें तो ये रहता है कि आप सबको इसके स्कोप के बारे में सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ है, तो आपका अगला क्या ड्रीम है लाइफ के बारे में, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? ये एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन के फिर आगे एमएससी भी उसके साथ ही ज्वाइन करके। ओके, तो ये है कि नर्सिंग ऑफिसर जो है कि इसमें नॉर्सेट का एग्जाम वगैरह बताया आपने। चलो ठीक है, आपका क्या रहता है? मुझे ना एमएससी करनी है और उसके बाद पीएचडी होनी है और फिर टीचिंग फील्ड में जाना है। ओके, आप टीचिंग फील्ड में जानते हैं, एमएससी वाले आपको जो पूरा डिटेल है वो आपको पता है कि एमएससी का क्या डिटेल है? हाँ जी, एमएससी के लिए दो साल। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं प्रमोट कर रहा हूँ मेरे चैनल को। हाँ, मेरे को बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग करनी है, एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी होती है वो करनी है, और फिर टीचर फील्ड में जाना, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं अभी आप? मुझे एमएससी करनी है और नॉर्थ सेट का पेपर क्लियर करना है। नॉर्थ सेट का पेपर क्लियर कर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? मैं एमएससी करके नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी। नर्सिंग ऑफिसर आपका? मैं बीएससी के बाद एमएससी फॉरेंसिक करके और फॉरेंसिक पीएचडी कंबाइंड कोर्स एनक्लिक्स का एग्जाम क्लियर करके उसके बाद क्लिनिकल में सीआरएन है। आपको क्लिनिकल में जाना है, तो मतलब इसमें हम देखते हैं कुछ लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो मतलब आपको कौन सी चीज़ जो है कि आपको मोटिवेट करती है कि आप इंडिया जो छोड़ के जो है कि फॉरेन जाना चाहते हैं? रिस्पेक्ट थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा होता है। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में रिस्पेक्ट कम मिलती है? नहीं, एक्चुअली अगर हम एम से निकलेंगे तो हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी एज डॉक्टर, बट थोड़ा सा वहाँ का वेदर एनवायरनमेंट और कुछ चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती है, फैमिली भी मेरी वहीं पे बेस्ड है तो फैमिली की वजह से। हाँ, मुझे वहीं। ओके ठीक है, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है कि, लेकिन इस वजह से हम देखेंगे तो अधिकतर का टीचिंग फील्ड का है, अधिकतर का जो है कि, लेकिन बहुत बढ़िया इसको भी, अगर आप टीचिंग फील्ड में भी जाते हैं तो आपको फिर एक डॉक्टर के बराबर सैलरी और रिस्पेक्ट होती है, और अगर क्लिनिकल फील्ड में जाते हैं तो भी आपको डॉक्टर के या उसके बारे में। जो नए जो बच्चे आने वाले हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहें, या जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो आपका वीडियो देखेगा, जो वो स्टूडेंट, क्योंकि आपका वीडियो वो स्टूडेंट देखेगा जो बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है या उस प्रिपरेशन करने की सोच रहा है, तो कोई एक बोलना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से जो नीट सिलेबस है वही उसी की प्रिपरेशन करें, उसी से मतलब क्लियर हो जाता है नर्सिंग का एग्ज़ाम। और एम्स जोधपुर बहुत अच्छा है, सबको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसे रखना चाहिए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। चित्रा आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। मैं बोलना चाहूँगी अगर एमबीबीएस करनी हो तो वो तो ठीक है, अगर उसमें नहीं हो तो फिर बीएससी नर्सिंग बेस्ट चॉइस है, और इसमें सिलेक्शन के लिए लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात जो बताई है एकता, हाँ एकता ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है वो ये बताई है कि आप इसको एक साइड ऑप्शन की तरह रख सकते हैं। MBBS एक हर कोई यही चाहेगा कि मेरे को MBBS के लिए, लेकिन MBBS में जो है कि लिमिटेड सीटें हैं, बाकी बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि आपको MBBS का ये रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है तो आप साइड ऑप्शन जो है कि रख सकते हैं, तो साइड ऑप्शन अगर आप रख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। आप क्या कहना चाहेंगे? कि एम्स नर्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से तो MBBS से अच्छा ही है एम्स नर्सिंग। आप बताना चाहते हैं कि MBBS से अच्छा नर्सिंग है, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ये बताना चाहते हैं, मतलब आप वो ये देख सकते हैं कि मतलब बच्चा ये बोल रहा है कि MBBS से अच्छा एम्स नर्सिंग, यानी कि आप इसको साइड ऑप्शन तो एटलीस्ट रख सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमें MBBS ही चाहिए, वो साथ में आप BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम भी दीजिए, अगर आप एक बार ज्वाइन करेंगे, जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम यहाँ की फैसिलिटीज़ देखेंगे तो आप उस बारे में जान पाएंगे। अर्शी आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे आने वाले बच्चे हैं? मैं भी यही कहूँगी कि पूरी मेहनत करो, नीट का एग्ज़ाम भी दो, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो एम्स नर्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, और दो एग्ज़ाम फिर सीनियर्स हैं तो वेलकम तो करेंगे ही। अच्छा नहीं, अभी तो सीनियर भी टाइम है, अभी तो एक डेढ़ महीना हुआ है जस्ट, ठीक है। तो अभी जैसे कि सब बच्चों ने नीट का पेपर दिया था, सब तो नीट का पेपर दिया था, तो ऐसा क्या है कि हम इन लोगों से, मतलब मैं, आप इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब आपने जैसे नीट का पेपर दिया था और आपके लगभग लगभग किनारे पे मार्क्स रहे होंगे, क्योंकि ऐसा हम बोल नहीं सकते कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं थे, आपके किनारे में मार्क्स होंगे, डेट्स वाई यू हैव गुड रैंक इन एम्स नर्सिंग, है ना, और उसके कारण आपके यहाँ पे एडमिशन हुआ है, आप एम्स जोधपुर में आए हैं, तो वो क्या रीज़न रहे थे एक आप शॉर्ट ब्रीफ में बताना चाहिए कि अगर ये रीज़न नहीं रहता तो आज मैं MBBS में होती, आपका क्या रीज़न था?
और लास्ट में लॉकडाउन की वजह से कोचिंग छोड़ के घर पे आना पड़ा तो कंटिन्यूटी छूट गई थी। लास्ट वाला प्रिपरेशन जो था ईशा का नहीं हो पाया था। चित्रा लास्ट वाला प्रिपरेशन बहुत जल्दी का लास्ट वाला मेरा भी लास्ट वाला प्रिपरेशन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। लॉकडाउन के प्रिपरेशन पेपर अटेम्प्ट्स थोड़े कम थे मेरे। नंबर ऑफ पेपर अटेम्प्ट्स जो है कि कम थे। ये पुराने पेपर की आप बात कर रहे हैं या फिर सिंपल पेपर की बात कर रहे हैं? पुराने पेपर तो मैंने किए थे और जो आगे पेपर न्यू थे ना उन्होंने कम छोड़ के थोड़ा। तो तीन लोगों का अधिकतर ये था कि लास्ट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बार बोलता हूँ इन लोगों ने वो लास्ट की प्रिपरेशन नहीं की तो अभी उस चीज़ का थोड़ा सा वो रहता है, रिग्रेट तो रहता ही होगा मन में। और इनका जैसे सिंपल पेपर का था, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से पुराने पेपर ज़्यादा सोल्व करने थे तो मैंने किए थे बट वो कंटिन्यू पेपर चले तो मैंने दिए नहीं लास्ट में। अर्शी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी पेपर से जस्ट वन डे पहले बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आपका ये रीजन था पेपर से वन डे पहले? फिर भी जो है कि अच्छी रैंक थी, सब लोगों की अच्छी रैंक थी और इसीलिए आप इंडिया के सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हैं। ओके, तो और कुछ अगर आप कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें? रिग्रेट मत रखो कि नर्सिंग में आ गए हैं। हाँ, ये सही बोले रिग्रेट। बाकी और किसी को रिग्रेट तो नहीं है ना? नहीं, तो नर्सिंग अच्छा फील्ड है बट राजस्थान में थोड़ा ऐसे समझा जाता है। साउथ वगैरह में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, फॉरेंस में भी बहुत वैल्यू है बट राजस्थान और इधर नॉर्थ साइड में समझा जाता है कि नर्सिंग अच्छा नहीं है, MBBS ज़्यादा बेटर है। हाँ, ये सब समझा जाता है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए आप, और हम प्रे भी करेंगे और होप भी करते हैं कि आप लोगों के MBBS के लिए पढ़ाई करें, आपको MBBS मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो रिग्रेट नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट।